हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल ज्ञान ध्यान। तो आज हम एक ऐसे जहाज़ के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज़ कहा जाता था, आरएमएस टाइटैनिक। ये आरएमएस टाइटैनिक जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज़ था और यह भाप के इंजन पर आधारित था। यह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन के बाद वह एक हिमखंड से टकराकर 14 अप्रैल 1912 को डूब गया और उसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ओलंपिक श्रेणी का यह ट्रेवलर लाइनर टाइटैनिक जहाज़ व्हाइट स्टार लाइन के अंडर में था और उसका निर्माण आयरलैंड के हारलैंड और वोल्फ के शिपयार्ड में किया गया था। वह 2200 से ज़्यादा यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। तो फैक्ट ये है कि जब जहाज़ डूबा, उस वक्त जहाज़ पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1150 से ज़्यादा लोगों के लिए बोटें थीं। पुरुषों की मृत्यु सबसे ज़्यादा हुई और इसका कारण था कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता दी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य रीज़न था कि टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मे ने इस जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। तो 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनियाँ मिली। कप्तान को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आने पर जहाज़ मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था और राडार छोटा। बर्फ़ की चट्टान आने पर वो अधिक स्पीड के कारण टाइम पे नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। जब यह चट्टान से टकरा गया तो उसके आगे के हिस्से में बहुत बड़े बड़े छेद हो गए और लगभग 11:40 पर, रात को 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM सुबह वो पूरा समुद्र में समा गया। मतलब इसको डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा था। जिस सागर में वह डूबा उसके पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, 0 से भी 2 डिग्री कम, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे हाईएस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो आपको एक फैक्ट यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपने स्क्रीन पर जितने भी इमेजेस देखे हैं उनमें टाइटैनिक जहाज़ में 4 चिमनियाँ हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 चिमनियाँ चलती थीं, जबकि चौथी चिमनी को उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।